हेलो एवरीवन, मैं वैभवती तरमारे, लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, एनआईटी पॉलिटेक्निक नागपुर। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे कोर्स अप्लाइड मैकेनिक्स में। आज के 31st लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल्स ऑन लैमिस थ्योरम टाइप नंबर 1। सो हियर वी गो। So let us summarize the previous lecture. In previous lecture, we have learned about the graphical conditions of an equilibrium, Lemmas theorem and its condition. तो revise करते हैं। Analytical condition जब हमने पढ़ी थी, तो analytical condition में हमने दो topic देखे थे। Analytical condition में that is concurrent के लिए देखा था हमने और non-concurrent के लिए भी देखा था, बराबर है? तो concurrent के लिए summation f of x zero था, summation f of y भी zero था, और नॉन कॉन्करेंट के लिए तीन होते हैं, समेशन एफ ऑफ एक्स भी जीरो, समेशन एफ ऑफ वाई भी जीरो और समेशन मोमेंट भी जीरो। ग्राफिकल कंडीशन में हमने देखा था कि वेक्टर डायग्राम शुड बी क्लोज एंड फनिकुलर पॉलीगॉन शुड बी क्लोज। फिर हमने लैमिस थ्योरम देखा था। लैमिस थ्योरम के लिए क्या देखा था? जब बॉडी के ऊपर तीन फोर्सेस लग रहे हैं ना, व्हेन थ्री फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी टू कीप इट इन इक्विलिब्रियम, काई के लिए, बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए, बराबर है? तो हमने इसको अल्फा बोला था, हमने इसको बीटा बोला था और इसको हमने गामा बोला था, बराबर है? सो व्हेन थ्री फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी टू कीप इट इन इक्विलिब्रियम, देन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस। जो हर एक फोर्स रहता है से लिखना कैसा है, ए बी सी फोर्सेस ऊपर लिखना है, डिवाइड बाई डिवाइड बाई डिवाइड बाई, फिर नीचे लिखना है साइन साइन साइन। जब हम ए के लिए लिखेंगे तो ए को छुपा लेना, ए को छुपाएंगे तो बचेगा कौन, बी और सी, तो बी और सी का बीच में का एंगल अल्फा, दैट इज साइन अल्फा। फिर B की बात आ रही है तो B को छुपा लेने का, B को छुपाएंगे तो बचेगा कौन, C और A, तो इनके बीच में का एंगल कितना है, बीटा, फिर बीटा लिखना। फिर C, C को छुपाएंगे तो बचेगा कौन, A और B, A और B के बीच में का एंगल क्या है, गामा, हो गया। तो ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस। फिर हमने कंडीशंस देखी थी लैमिस थ्योरम की, चार कंडीशंस थी कि जब बॉडी इक्विलिब्रियम में रहती है तभी लैमिस थ्योरम लगता है। लैमिस थ्योरम पैरेलल फोर्सेस के लिए, नॉन कॉन्करेंट के लिए, नॉन कोप्लेनर के लिए अप्लीकेबल नहीं है, और लैमिस थ्योरम सिर्फ और सिर्फ थ्री कॉन्करेंट फोर्सेस के लिए ही अप्लीकेबल है। तो यहां तक हमने पढ़ा है। लर्निंग आउटकम्स, ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम फॉर गिवन कंडीशन एंड डिटरमाइन द अननोन फोर्स बाय लैमिस थ्योरम। दीज आर द प्रोग्राम आउटकम विच आर गोइंग टू बी अचीव्ड आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दिस लेक्चर। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है? एक स्पीयर दिया हुआ है ना? आज जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं वो स्पीयर के बारे में रहेंगे और वो एक ग्रू के अंदर, एक चैनल के अंदर फंसे हुए रहेंगे, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है। तो एक स्पीयर है, अ स्पीयर ऑफ 200 न्यूटन, मतलब ये जो आपको स्पीयर दिख रहा है इसका वेट कितना है, 200 न्यूटन, सपोर्टेड बाय टू प्लेन्स इंक्लाइंड एट 15 डिग्री एंड 40 डिग्री। तो ये जो प्लेन दिख रही है, ये वाला और ये वाला, इनके एंगल दिए हैं 15 डिग्री और 40 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द रिएक्शंस एट द सपोर्ट, हमें क्या निकालना है, रिएक्शंस यहाँ पे निकालनी है। तो ये वेट कितना है इसका, वेट वेट 200 न्यूटन। तो आपको वेट को नीचे ड्रॉ करना है इसे, दिस इज द वेट इज 200 न्यूटन, ओके, दिस वेट इज 200 न्यूटन। ये एंगल आपको दिया हुआ है 15 डिग्री एंड दिस एंगल इज 40 डिग्री, दिस एंगल इज 40 डिग्री, ओके। ये प्लेन का एंगल आपको 40 डिग्री दिया हुआ है और लेफ्ट साइड, हाँ, पहला वाला लेफ्ट साइड लेना, दूसरा वाला राइट साइड लेना। अभी हमें क्या करना है, हमें ये जो पॉइंट है सरफेस का जहाँ पे कॉन्टैक्ट हो रहा है और ये एक पॉइंट है, बराबर है? तो यहाँ पे जो रिएक्शंस आएंगी वो हमें निकालनी है, ठीक है? तो कैसे निकालेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अभी हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को हम ए नाम देते हैं और इस पॉइंट को हम बी नाम देते हैं। इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूँ मैं, इधर भी थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूँ। आपको एक बात ध्यान रखना है कि मैं इधर मार्जिन के ऊपर लिख लेना है कि जो भी रिएक्शन रहेंगी, हमें निकालनी रिएक्शन, वह सरफेस को परपेंडिकुलर रहती है, ध्यान में रखना है, मार्जिन के ऊपर लिखना, रिएक्शन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, 90 डिग्री रहती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, ये जो सरफेस है यहाँ से एक 90 डिग्री से एक रिएक्शन ऐसे सामने तरफ जाएंगे, बराबर? रिएक्शन कहाँ से निकली, ए से हम इसको
आर ए नाम देंगे, तो रिएक्शन कहाँ से निकली, ए से निकली, बराबर है। यहाँ पे 90 का एंगल बनेगी, बराबर। इस रिएक्शन को थोड़ा नीचे नीचे लेके आ जाएंगे हम, यहाँ पे नीचे नीचे, तो यहाँ पे 90 का एंगल है, बराबर। इधर यहाँ पे 90 का एंगल बना हुआ, अभी ये 90 है, तो 90 में से ये जो 15 जाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 65 बचेगा, 75 बचेगा, 75 बचेगा, बराबर है। तो ये जो एंगल रहेगा हमारा कितने का रहेगा, 75 डिग्री का रहेगा, बराबर है। मतलब ये जो लाइन आगे की तरफ जाएंगी तो यहाँ पे कितने का एंगल बनेगा, 75 का एंगल बनेगा, बराबर। अभी हम इधर राइट साइड में आ जाते हैं, ये बी पॉइंट पे, बी पॉइंट से भी एक रिएक्शन आगे की तरफ जाएगी सीधी, दिस इज रिएक्शन फ्रॉम बी, बराबर है। इस रिएक्शन को हम थोड़ा पीछे लेके आते हैं, बराबर है। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना, तो 90 में से ये 40 चले गए, तो यहाँ पे एंगल कितना बचेगा, 50 डिग्री। तो यहाँ पे अगर हम हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये एंगल कितना मिलेगा हमको, 50 डिग्री। कितना डिग्री मिलेगा, 50 डिग्री, बराबर है। तो ये बराबर आपको अभी फ्री बॉडी डायग्राम में बनाना है। देखिए वेट नीचे गया, कितने का था वेट, 200 न्यूटन। इधर साइड में आपकी आर ए गई, इधर साइड में आपका आर बी गया, यहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन है, इधर साइड में 75 का एंगल बना, 75 कैसे है, 90 माइनस 50, और ये 50 कैसे आया इधर साइड में, 90 माइनस 40। ओके, तो क्या लेमिस थ्योरम का क्वेश्चन है, तीन फोर्सेस आ रहे हैं यहाँ पे, चलो सॉल्व करते हैं। हमें अभी आर ए और आर बी निकालना है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले फोर्सेस लिखना है, 200 इक्वस टू आर ए इक्वस टू आर बी, इसके पहले हमने ए बी सी लिखा था, अभी फोर्सेस लिखना है, फिर नीचे डिवाइड डिवाइड डिवाइड, फिर लिखेंगे साइन साइन साइन। अभी देखिए, अभी इस 200 को छुपाइए, अभी इस 200 को छुपाएंगे, जब आप 200 को छुपाएंगे तो आपको एंगल जो है आर ए और आर बी के बीच में का लेना पड़ेगा, दैट इज दिस वाला एंगल। हमें एंगल कौन सा लेना पड़ेगा, आर ए और आर बी के बीच में, आर ए और आर बी के बीच में ये वाला एंगल। तो ये एंगल कितना रहेगा, हमें पता है कि टोटल एंगल 180 है, यहाँ तक का एंगल कितना है टोटल, 180। इस 180 में से ये 50 डिग्री और 75 डिग्री हमें माइनस करना पड़ेगा, 180 में से क्या करना पड़ेगा हमें, 180 में से 50 डिग्री और 75 डिग्री माइनस करना पड़ेगा, उतना हमारा रहेगा एंगल बिटवीन आर ए एंड आर बी, बराबर है। तो वो कितना रहेगा, 55 डिग्री आएगा, कितना डिग्री आएगा वो, 55 डिग्री। तो ये एंगल कितना है हमारा, 55। तो अगर हम इस 200 को छुपाते हैं, 200 को छुपाते हैं, तो आर ए और आर बी था उनके बीच में का एंगल है 55, तो जो 200 के नीचे लिखा हमने। ओके, अभी आर ए को छुपाओ, आर ए के ऊपर उंगली रखो, आर ए के ऊपर अगर उंगली रखते हम तो हमें एंगल लेना पड़ेगा इन दोनों के बीच में का, ये वाला 200 और आर बी के बीच में का। हमें पता है ये एंगल 90 रहता है, ठीक है, 90 और ये 50, तो 90 और 50 कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा, 90 और 50 कितना हो जाएगा, 140 डिग्री हो जाएगा। तो किसको छुपाने के बाद, आर ए को छुपाने के बाद हमें 140 डिग्री मिलेगा। अभी आर बी को छुपाओ, आर बी को जैसे छुपाएंगे तो आर बी को छुपाएंगे तो हमको एंगल ये वाला लेना पड़ेगा इन दोनों के बीच में का, हमें पता है कि ये एंगल 90 है, और 90 और 75 कितना हो जाएगा, 90 प्लस 75 दैट इज 165 डिग्री, बराबर। तो इनके बीच में का एंगल कितना रहेगा, 165 डिग्री। ओके, दिस इज 165 डिग्री। तो अभी हमें निकालना है आर ए और आर बी, कैसे सॉल्व करेंगे, अभी हम इन दोनों को लेके सॉल्व करते हैं। तो कैसे करेंगे, 200 डिवाइडेड बाय साइन 55 इक्वल्स टू आर ए डिवाइडेड बाय साइन 140, क्या हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बराबर है। तो 200 मल्टीप्लाइड बाय साइन 140 डिवाइडेड बाय साइन 55, तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी आर ए की। तो आपको आर ए कितना मिलेगा, देखो 200 इंटू साइन 140
डिवाइडेड बाय साइन 55, तो आपको मिलेगा आर ए मिलेगा 59.06, 59.06 न्यूटन आर ए मिला हमको। अभी आर बी के लिए क्या करेंगे, आर बी के लिए हमको ये दो इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा, इन दोनों का बराबर है। कैसे करेंगे देखिए, इधर लिख रहा हूँ 200 डिवाइडेड बाय साइन 55 इक्वल्स टू आर बी डिवाइडेड बाय साइन 165। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें मिलेगा 200 मल्टीप्लाइड बाय साइन 165 डिवाइडेड बाय साइन 55, तो आपको आर बी की वैल्यू मिलेगी। आपको क्या मिलेगी, आर बी की वैल्यू मिलेगी। आर बी की वैल्यू कितनी मिलेगी देखिए, अच्छे से कैलकुलेट करिए, 63.19। तो आपको ये जो है दैट इज 63.19 न्यूटन मिला। एक बार पहला वाला आरे का आंसर चेक करिए, थोड़ा गलत हो चुका है, 140 बराबर टाइप करिए, मैंने 14 टाइप किया था। फर्स्ट वाला आंसर इज 156.93 आता है, ठीक है। आरे इज, ये जो आंसर है आरे का, ये आंसर 156.93 चाहिए, 156.93, ओके 156.93। और ये जो आंसर है दैट इज आर बी का आंसर 63.19, ओके 63.19। आई होप आपको थोड़ा क्वेश्चन समझ में आया होगा, जैसे जैसे आगे क्वेश्चन जाएंगे आपको वहाँ पे समझ में और आएगा, ओके आयो दोस्तों। सेम वैसा ही क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करते हैं, क्या है क्वेश्चन में दिया हुआ चेक करिए, न्यूमेरिकल नंबर 2 में स्पीयर ऑफ 20 न्यूटन, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, इसका वेट कितना है 20 न्यूटन, वेट कहाँ पे जाता है नीचे, ठीक है। सो दिस इज 20 न्यूटन, एंगल कितने दिए आपको 55 डिग्री और 50 डिग्री, तो हम इसको 55 डिग्री ले लेते हैं इस एंगल को, और इस एंगल को हम लेते हैं 50 डिग्री। कैलकुलेट द रिएक्शन, हमें रिएक्शन निकालनी है, तो ये पॉइंट ले लेते हैं हम, दिस पॉइंट इज ए, मतलब यहाँ पे रिएक्शन ए मिलेगी, और एक पॉइंट ले लेते हैं बी, यहाँ पे हमें रिएक्शन बी मिलेगी, ओके हम इसको लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं, ओके। तो हमको पता है रिएक्शन सरफेस को कैसे रहती है, बताइए, सरफेस को परपेंडिकुलर रहती है, बराबर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ए से एक परपेंडिकुलर डालेंगे जो सेंटर से पास होगा, तो रिएक्शन ए से निकली, बराबर है। इस रिएक्शन को थोड़ा पीछे खींच लेंगे, पीछे खींच लेंगे, तो यहाँ पे रिएक्शन 90 था, इधर भी 90 रहेगा, तो क्या करना है, इस 90 में से 55 को माइनस करना, 90 में से 55 को माइनस करेंगे तो कितना बनेगा 35, ये 35 मतलब यहाँ पे फिर हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करना, हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे भी कितना लिखेंगे 35, तो आरे कितना एंगल बना रहा 35। फिर वैसे ही बी से भी एक परपेंडिकुलर डालना, परपेंडिकुलर डाला, दिस इज आर बी, बराबर है। यहाँ पे जो है एंगल है 90 डिग्री बना, हम क्या करेंगे इसको थोड़ा और नीचे लेके आएंगे, नीचे लेके आएंगे बराबर है, तो यहाँ पे 90 से क्या करना, 90 में से 50 गए तो बचा कितना 40 बचा, कितना बचा 40, क्या करना 90 में से 50 को माइनस करना 40, और ये 40 फिर इधर लिखने का, ठीक है ये हो गया। अभी हम क्या करेंगे इसको फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम काफ़ी आसान रहता है, नीचे कौन जा रहा था 20 न्यूटन जा रहा था हमारा, इधर इधर साइड में हमारा आर ए गया, और इधर साइड में कौन गया है, इधर साइड में हमारा आर बी गया, फिर हमने यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर दी, बराबर है। यहाँ पे हमारा 35 डिग्री का एंगल था जो कि 90 में से 55 जाने के बाद आया था, और ये आर बी के लिए 90 में से 50 गए तो हमारा एंगल कितना आया था 40 आया था। इस डायग्राम को हम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। अब इसको सॉल्व करना, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, फोर्सेस लिखने का, 20 इक्वल्स टू आर ए इक्वल्स टू आर बी लिखा ऐसे, फिर लिखना डिवाइड डिवाइड डिवाइड, नीचे में लिखना साइन 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 लिखा। अभी एंगल के बारे में यहाँ तक कोई सोचना नहीं पड़ता, अभी हमको सोचना कहाँ पे, एंगल में हमको सिर्फ सोचना कहाँ पे, एंगल में हमको सोचना है। देखिए सबसे पहले 20 के नीचे लिखना है, मतलब 20 को छुपाओ, 20 को छुपाएंगे तो एंगल हमें इन दोनों के बीच में का लगेगा, जो है उसको छोड़ के बाकी के दो, अभी हमें पता है टोटल तो 180 रहता है, टोटल कितना रहता है 180,
में से ये 40 गए, में से ये 35 गए, तो कितना बचेगा, 105 बचेगा। तो ये उस जिसको छुपाया उसके नीचे लिखना 105 डिग्री। अभी आरए को छुपाओ, आरए को छुपाएंगे तो एंगल इन दोनों के बीच में क्या बनेगा हमें बताइए, 90 रहता है, 90 और 40 कितना हो जाएगा, 90 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा। किसको छुपाया था आपने, आरए को छुपाया था, तो आरए के नीचे 130 लिखो। अभी इस आरबी को छुपाओ, आरबी को छुपाएंगे तो एंगल इन दोनों के बीच में क्या बनेगा हमें बताइए, एंगल 90 रहता है, तो 90 और ये कितना है 35, सो 90 प्लस 35 कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, 125 बराबर। एंगल कैसे लिखना समझा सभी को, अभी अभी हम कैसे सॉल्व करेंगे, अभी इन दोनों को सॉल्व करो। पहले कैसे लिखेंगे, 20 डिवाइडेड बाय साइन 105 इक्वल्स टू आर ए डिवाइडेड बाय साइन 130। अभी क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इस 20 के साथ इस साइन 130 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, बराबर है, 20 का साइन 130 के साथ मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा डिवाइडेड बाय साइन 105। तो हमको वैल्यू किसके मिलेगी, आर ए की वैल्यू मिलेगी, कितने आएंगे करिए, 20 इंटू साइन 130, 20 इंटू साइन 130 डिवाइडेड बाय साइन 105, आपको मिलेगी वैल्यू 15.86, कितनी मिलेगी बेटा, 15.86 न्यूटन, बराबर। ये आपको वैल्यू किसकी मिली, किसकी मिली, आर ए की मिली। अभी आर बी के लिए, आर बी के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, 20 डिवाइडेड बाय साइन 105 इक्वल्स टू आर बी डिवाइडेड बाय साइन 125। अभी क्या करेंगे, ये साइन 125 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, साइन 125 डिवाइडेड बाय कौन बचेगा, साइन 105। हमें वैल्यू किसकी मिलेगी, आर बी की मिलेगी। देखिए आर बी कितना आता है, तो वैल्यू बराबर पुट करिए, सिक्सटीन पॉइंट नाइन सिक्स, कितना मिला बेटा आपको, 16.96 न्यूटन। आई होप इस न्यूमेरिकल में आपके पूरे फंडामेंटल्स या कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ओके, आइए दोस्तों और एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है यहाँ पे, अ स्पीयर ऑफ 500 न्यूटन, है ना, स्पीयर का वेट कितना दिया हुआ है आपको, 500 न्यूटन दिया हुआ है, बराबर है, 500 न्यूटन का फोर्स जो हर बार कहा जाएगा नीचे जाएगा। ओके, सपोर्टेड बाय टू प्लेन्स, वन प्लेन इज वर्टिकल, बराबर है, एक प्लेन जो है वो कैसा है, वर्टिकल इस प्रकार से है, एंड अदर इज इंक्लाइंड एट 25 डिग्री, दूसरा कैसा है, 25 डिग्री है। ओके, तो बताइए कि इसका रिएक्शन कैसे निकालेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए दोस्तों, अगर हमने पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है कि सपोर्ट को रिएक्शन परपेंडिकुलर रहता है, सपोर्ट को रिएक्शन कैसे रहता है, परपेंडिकुलर। तो अगर ये सपोर्ट सीधा है ना, अगर ये सपोर्ट ऐसा सीधा है, ऐसा सीधा है, तो रिएक्शन भी सीधा ही निकलेगा, इधर साइड में रिएक्शन भी ऐसा ही निकलेगा कि नहीं, इधर साइड में, तो निकाल लो, इसको हम ए पॉइंट दे देते, इसको हम बी पॉइंट लेते हैं। ठीक, तो रिएक्शन ऐसा सीधा निकलेगा, ए से निकला तो आर ए, बी वाला तो पता है, इंक्लाइंड वाला तो हमारा पता है, इस प्रकार से निकलता है परपेंडिकुलर। सो दिस इज आर बी, आर बी को थोड़ा पीछे लेके आओ, आर बी को थोड़ा पीछे लेके आएंगे तो यहाँ पे हमें पता है 90 बना, 90 में से 25 गए, कितना बचा, लिखिए यहाँ पे 65, 90 में से 25 गया इधर 65। फिर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे हम, फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं, देखिए ये डब्ल्यू नीचे जाता है, उसकी वैल्यू कितनी है, 500 न्यूटन, आर ए आपका सीधा चला गया, इधर कौन है, आर बी है, जैसा दिख रहा है वैसा बनाने का, ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। ओके, अभी ये 65 के साथ गया था, तो इधर 65 मार्क कर लेंगे हम, तो ये जो है 65। ओके, अभी लिखेंगे कैसे लिखेंगे, देखिए 500 इक्वल्स टू आर ए इक्वल्स टू आर बी डिवाइड 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 साइन साइन साइन। यहाँ तो कोई दिमाग नहीं लगता, दिमाग से एंगल के लिए लगेगा, इस न्यूमेरिकल्स में आपका जो विलन है, विलन कौन है, एंगल है। ठीक है, अभी एंगल को ढूंढते, छुपाने का एक एक को छुपाने का, अभी इस 500 को छुपाओ, 500 को छुपाएंगे तो इन दोनों के बीच में का एंगल, जो बाकी के बचे हैं इन दोनों के बीच में का, तो कितना रहेगा, 180 में से 65 को माइनस करना पड़ेगा,
कितना बचेगा फिर, 180 में से 65 का 115 बचेगा, जिसको छुपाया किसको, 500 को, उसके नीचे लिख लो कितना, 115, 115। आरए को छुपाओ, जब आरए को छुपाएंगे तो एंगल इनके बीच में का लिखना पड़ेगा, हमें पता है ये एंगल 90 रहता है, तो वो कितना हो जाएगा, 90 प्लस ये 65 बराबर है, 90 प्लस 65 कितना हो जाएगा, 155। यहाँ पे लिख लेगा 155, 155। फिर आरबी को छुपाओ, इस आरबी को छुपाएंगे तो एंगल तो यही है इनके बीच में का, कितना रहेगा ये 90, इनके बीच में का एंगल कितना है 90। इन दोनों को सॉल्व करो, आ जाएगा आंसर कैसे, 500 डिवाइडेड बाय साइन 115 इक्वल्स टू आर ए डिवाइडेड बाय साइन 155। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो 500 मल्टीप्लाइड बाय साइन 155 अपॉन साइन 115, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी किसकी, आर ए, किसकी वैल्यू मिल जाएगी, आर ए की। करिए फटाफट, 500 इंटू साइन 155 डिवाइडेड बाय साइन 115 कितना मिलेगा आपको, 233.15 न्यूटन आर ए मिला। अभी आरबी के लिए कैसा करना पड़ेगा हमको, इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा है ना, तो 500 डिवाइडेड बाय साइन 115 इक्वल्स टू आरबी डिवाइडेड बाय साइन 90। क्या करना पड़ेगा अभी हमको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो 500 मल्टीप्लाइड बाय साइन 90 डिवाइडेड बाय साइन 115, ये किसकी वैल्यू मिलेगी आपको, आर बी की वैल्यू मिलेगी, तो बताइए कितना आएगा आंसर। फाइव फाइव वन अपॉन 551.68 कितना मिलेगा आपको, 551.68 न्यूटन, ये आर बी का आंसर मिलेगा। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल भी क्लियर हुआ होगा। सो दिस आर द यूनिट आउटकम दैट वी हैव अचीव्ड। In today's topic, we have solved the three numericals on type number 1, that is of Lamy's theorem, and these are the program outcomes that we have achieved. These are the most likely questions asked in MSBT. आप सभी को इन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करना है और इसका जो PDF है मुझे भेजना है, ओके? So thank you very much guys. In next lecture, we are going to solve the numericals on लैमिस थ्योरम टाइप नंबर 2। तो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मैकेनिक्स की प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।